कप में कौमी टीम की बुरी कारकर्दगी। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच तौकीर डार ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल अकील ने। जी बिलाल अकील, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद जब कौमी टीम वतन वापस पहुंची तो तौकीर डार आज हॉकी स्टेडियम आए और अपने ओहदे से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और तौकीर डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हॉकी खेली जा रही है वो इस वक्त सबसे निचले दर्जे की हॉकी खेली जा रही है। यहाँ पे ना जो लड़के हैं उनको ना तो फंड्स दिए जाते हैं, ना तो इनको जो है वो सहूलियात फराहम की जाती है। इसके साथ साथ तो उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि जो लड़के 10 साल से टीम में खेल रहे हैं उन सबको निकाल दिया जाए और जूनियर खिलाड़ियों को मौका दिया जाए ताकि वो जूनियर खिलाड़ियों में जो है वो स्पार्क ज्यादा नजर आता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हसन सरदार की वजह से मैं टीम में शामिल हुआ था, अब जो है वो मैं मजीद अपना ओहदा नहीं रख सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अकील।